हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलूज़ होम किचन। दोस्तों, होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार पर हम कई तरह की मिठाइयाँ और कई तरह के नाश्ते बना कर के तैयार करते हैं। तो आपके लिए आज मैं होली के त्यौहार के अवसर पर नए तरह के नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको 2-in-1 नाश्तों का टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको समोसे का और मठरी और पापड़ी का भी टेस्ट एक ही रेसिपी में मिलेगा। और मेहमानों को जब आप ये नाश्ता सर्व करेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछते नहीं थकेंगे और उनको ये इतना पसंद आएगा कि वो आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने 1/4 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। 1/4 चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मैदे के साथ मिला लेंगे। और इसके बाद हम इसमें एक बीच में इस तरह से होल बना लेंगे और इसमें 2.5 बड़े चम्मच के करीब हम ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ऑयल को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मोन इतना होना चाहिए कि जब हम इसको इस तरह से मिलाएं तो बस इसको मसल मसल करके इस तरह हम दबा करके देखें तो इसका एक लड्डू बन जाना चाहिए। तो हमारा मोन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक टाइट डो लगा करके तैयार करेंगे, जैसे हम समोसे के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो एक साथ पानी आप बिल्कुल ना डालें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें एक टाइट डो लगा करके रेडी करना है। तो ये देखिए, मैंने डो को रेडी कर लिया है और डो हमारा जो है वो हार्ड ही लगा है। और इसके बाद हम इसको कवर करके रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े उबले हुए आलूओं को इस तरह से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच समोसे का मसाला लिया है। ये कैसे बनता है इसको मैंने मेंशन कर दिया है, आप बिल्कुल उसी तरह से ये मसाला बना करके रेडी करिए। इस मसाले को डालने से आपको बिल्कुल ये स्टफिंग, समोसे वाली स्टफिंग ही बन करके रेडी होगी। और इसमें मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है, उसको चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को आलू के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बढ़िया सी चटपटी सी स्टफिंग बन करके रेडी है। तो हमारा आटा जो है वो भी सेट हो चुका है रेस्ट करके। अब इसको हाथों से हम अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेंगे ताकि हमारा जो डो है वो हल्का सा चिकना हो जाए। अब इसके बाद हम इसको प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं और इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में हम इसको डो को बढ़ा लेंगे और इसको हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी सी हमें इसकी लोइयां ले लेनी हैं। अब हम एक लोई लेंगे और उसको इस तरह से हमें रख करके और एक बड़ी सी रोटी इसकी बेल लेनी है। तो इस तरह से देखिए, मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेती हूँ। तो ये देखिए, इतनी मोटाई की मैंने एक बड़ी सी रोटी बेली है। दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से बेल करके तैयार करेंगे। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको हमें इसके ऊपर डाल देना है और किनारों से थोड़ा अंदर की तरफ ही हमें स्टफिंग को फैलाना है। और इसको क्योंकि हम रेक्टेंगुलर शेप देने वाले हैं तो हमें इस तरह से इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही स्टफिंग को रखना है और किनारों से थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रखना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसको हम इस तरह से बराबर से फैला लेंगे। और जो हमने दूसरी रोटी बना करके रेडी की थी उसको हम इस तरह से ऊपर रख करके उसको इससे कवर कर देंगे, किनारों से हल्का हल्का सा हम दबा देंगे। अब हम एक नाइफ लेंगे और इसके जो किनारे हैं उसको हमें कट करके हटा देना है और हमें इसका एक रेक्टेंगुलर शेप दे देना है। तो ये देखिए, मैं इसके किनारों को इस तरह से काट करके हटा रही हूँ और ये जो किनारे बच रहे हैं इसको आप बिल्कुल भी फेंकिएगा मत या वेस्ट मत समझिएगा, इसके आप नमक पारे बना करके रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है। इसके किनारों को हल्का सा हम चिपका देते हैं इस तरह से। और अब हम नाइफ को फिर से लेंगे और इस तरह से हम इसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं सभी पट्टियाँ इसकी काट करके रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सभी पट्टियाँ काट ली हैं।
अब एक पट्टी हम लेंगे और इसको इस तरह से किनारों से पकड़ करके हल्का सा इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। तो धीरे धीरे जब आप इसको ट्विस्ट कर दोगे, इसके बाद इसके किनारों पर हमें हल्का सा पानी लगा करके दूसरे किनारे को इससे चिपका देना है। तो ये देखिए हमारा पहला ट्विस्टेड समोसा रिंग बन करके रेडी हो चुका है। इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैं एक और बना करके आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना मिलिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक और भी बना करके रेडी कर ली। इसी तरह से हम सारी ट्विस्टेड समोसा रिंग्स बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी रिंग्स को बना करके रेडी कर लिया। अब चलिए चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है और एक बार में जितनी रिंग्स आ पाएँ उतनी हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही एक तरफ से 2 मिनट हम इसको सिकने देंगे और 2 मिनट बाद हम इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हमें इसको 2 मिनट सेक लेना है और इसी तरह से हमें इसको अलटते पलटते हुए एक बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ जाने तक हमें इसको फ्राई करना है। तो इसी तरह से हम अलटते पलटते जाएंगे और जब इसमें देखिए इस तरह से एक बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो बस हमारे ये रिंग्स बन करके रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ट्विस्टेड समोसा रिंग्स बन करके रेडी हो चुके हैं। तो बस अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए दोस्तों, हमारे कितने ही खूबसूरत दिखने वाले ट्विस्टेड समोसा रिंग्स बन करके रेडी हो चुके हैं। और इसको आप इस होली पर जब किसी को खिलाएंगे ना, बहुत ही तारीफ़ करेगा आपकी। और उस सेम तरीके से हम उसका सेकेंड बैच भी फ्राई करेंगे और जो कटिंग्स हमारी बच गई है उसके मैंने नमक पारे बनाए हैं, उसको भी इसी के साथ हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये लीजिए, हमारे सारे ही ट्विस्टेड समोसा रिंग्स बन करके रेडी हो चुके हैं। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करिए। और ये देखिए दोस्तों, ये कितने ही क्रिस्पी बने हैं, इसकी आप आवाज़ सुनिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे क्रिस्पी करारे ट्विस्टेड समोसा रिंग्स बनकर के रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस से ऊपर से गार्निश कर दिया है। आप भी मेहमानों को इस तरह से इन रिंग्स को सजा करके सर्व करेंगे तो वो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। तो इस होली पर इसको बनाना तो बनता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंस्टा फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।